नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। मऊगंज नगर में लगातार भारी वाहनों की रोकथाम की मांग की जाती रही है, लेकिन नो एंट्री लागू होने के पहले ही प्रशासन के जिम्मेदारों ने उसकी हवा निकाल दी। इस प्रकार नो एंट्री लागू होने में हिलाहवाली ने ले ली एक बेगुनाह युवक की जान। बीते एक हफ्तों में नगर में लगने वाली नो एंट्री SDM मऊगंज की टाल मटोल में पुलिस उलझ कर रह गई। जबकि थाना प्रभारी की माने तो बीते दो दिन पूर्व नो एंट्री प्रभावी करने की बात कर रहे थे, लेकिन क्या वजह थी कि हर तरफ अराजक व्यवस्था की रोकथाम में लगातार विफल रहे। SDM मऊगंज AP द्विवेदी ने सोमवार से नो एंट्री लागू करने को कहा, जिसका परिणाम ये हुआ कि नो एंट्री लगने के पहले ही मऊगंज पुरानी मऊ तालाब के पास त्रिपाठी बस MP17P0388 जो की रीवा से चलकर मऊगंज आ रही थी, जो कि वहां पर हाईवा आ जाने की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई। बस की चपेट में आए मोटरसाइकिल सवार रोहित मिश्रा मऊगंज पुरानी मऊ के निवासी की मौके पर ही प्राण पखेरु उड़ गए। इस तरह से प्रशासन की घोर लापरवाही की वजह से दर्दनाक मौत ने ग्रामीणों में आक्रोश पैदा कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही SDM SDOP TI मौके पर पहुंच गए हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।